गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने दोनों सीख लिए थे, एक डिवीजन मेथड और एक ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की कि एससीएफ क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ दो तरीके के इसमें भी मेथड होते हैं, एक होता है वाई लिसनिंग फैक्टर, ठीक है, और एक होता है, हम इसको टू टाइप से कर सकते हैं। पहला होता है वाई लिसनिंग फैक्टर और एक होता है वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम वाई लिसनिंग फैक्टर सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए सपोज कीजिए आपके पास है 12 एंड 40, राइट। अब आपसे कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट, तो आपका ये वाला क्वेश्चन है 12 एंड 14। आप क्लियर, एक तरीके से ऐसे लिखिए 12 बराबर और एक तरफ लिखिए 40 बराबर, ओके। पहले आप 12 लिख लीजिए, किस किस टेबल में आता है 12। 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, और किसके में आता है, 6 के में आता है और 12 के में आता है। ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए, इसलिए हमने इसके सारे फैक्टर लिख लिए, ओके। ऐसे ही हम 40 के लिख लेते हैं। 1 के में तो आएगा ही आएगा, 2 के में भी आएगा, ये 4 के में भी आएगा, 5 के में भी आएगा, और किसके में आएगा, 5 के में आएगा, 6 के में नहीं आएगा, 7 के में नहीं आएगा, 8 के में आएगा, राइट। फिर 8 के बाद 10 के में आएगा, ओके, और किसके में आएगा, 20 के में भी आएगा और 40 के में भी आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं, लेकिन हमें कौन से चाहिए, HCF। यानी कि पहले आप इतना पढ़िए, दोनों को पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन फैक्टर यानी दो जोनों में आए हों, और इसका मतलब है हाईएस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो आपको निकालने हैं, HCF, समझ गए। चलिए यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सर्किल कर लो, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब बाकी तो इसमें नहीं मिल रहे, चलिए अब इन सब में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, ये सारे कॉमन फैक्टर थे, अब हमें कितना निकालना है, हाईएस्ट। अब इनमें से कॉमन वालों में से सबसे बड़ा कौन सा है, अब कॉस 4, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, तो 4 बड़ा हुआ दोनों जगह है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 40, राइट। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए एक और करके देख लेते हैं, एक 8 का ले लेते हैं और एक 6 का ले लेते हैं, 8 एंड 6, इसके कॉमन फैक्टर निकालिए आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेंगे, पहले आप 8 लिख लीजिए, फिर 6 लिख लीजिए, 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1 के में आता है, 2 के में आता है और 4 के में भी आता है और 8 के में आता है, ये हमारा 1 के में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है और 6 में आता है, राइट। अब देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और तो ये कॉमन नहीं है, तो अब इसमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा हुआ, यस 2 हुआ, क्योंकि 2 बड़ा है इन दोनों से, क्या हुआ इसका आंसर, 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, समझ आ गए, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो था लिसनिंग फैक्टर वाला मेथड, कौन सा था, बाय लिसनिंग फैक्टर। अब हम मेथड नंबर 2 देखते हैं, मेथड नंबर 2 है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे सपोज कीजिए मैं यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ, 12 एंड 40 के आपको फैक्टर निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या करेंगे, पहले आप 12 को डिवाइड कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 हो गया यहाँ पर, इसके हो गए ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ओके, बराबर 12, ये तो हो गए 12 के। अब हम 40 के निकाल लेते हैं इसी तरीके से, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10 और 5 5 1 जा 5, ओके। अब आप इसको लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, ओके। अब क्या हुआ, अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी है 1, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, 2, और तो एक जैसा नहीं है। अब जब ये दोनों एक एक इसमें हैं, ठीक है, तो इसका मान हो गया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ये है आपका 2 बार,
दोनों जगह सेम है तो आप इसको एक बार और लिख लीजिए। अब कितना हो गया, 4। तो आंसर कितना आया, 4। समझ पा रहे हैं बात को? जो एक जैसे होंगे उसको बनाएंगे पेयर में, उसका पेयर बनेगा। इसका पेयर बना तो इसके दो अलग हो गए, इसका पेयर बना तो इसके दो अलग हो गए। दोनों को लिखा 2 2 4, राइट? ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब हम फैक्टर्स की बात तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। ठीक है, अ मल्टीपल्स ऑफ अ होल नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड एनी काउंटिंग नंबर्स। मतलब जो मल्टीपल्स हैं हमारे वो एक तरीके के होल नंबर्स होते हैं। किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, किसी भी नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका होल नंबर होता है। ठीक है, उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं वी कैन सम मल्टीपल्स ऑफ 2 and 11, देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीपल्स दे रखे हैं 2 के, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के ही, 2 का ही टेबल है ये, 2 2 1, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, राइट? इसी तरीके से यहाँ पर ये 11 का टेबल है, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, राइट? तो ये हमारे मल्टीपल्स हैं 11s के। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, हर एक नंबर्स 1 का मल्टीपल्स होता है। ठीक है, हर एक नंबर्स किसका मल्टीपल्स जरूर होगा, 1 का जरूर होगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर अदर देन 0, 0 को छोड़कर जो भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर्स है इज़ द नंबर इट्सेल्फ, वो नंबर वही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँ, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा, यानी वो 2 ही रहेगा, राइट? तो वो नंबर खुद ही रहता है। एंड थर्ड है आपका, एवरी मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर्स, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर्स। मतलब जो भी मल्टीपल्स हमारे उस नंबर्स के होते हैं या तो वो उससे बड़े होंगे या वो उससे बराबर होंगे। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे नंबर, वो नंबर्स या तो उससे बड़े होंगे, ठीक है, या फिर उसके बराबर होंगे, जितने भी मल्टीपल्स हमारे किसी भी नंबर्स के होंगे। फोर्थ है आपका, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जो हमारा मल्टीपल्स होता है, अगर हम किसी भी नंबर्स का, जैसे हम मल्टीपल्स निकालना चाहें तो वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, उसके कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, और 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, एंड 3 5 15, 15 का क्या होता है, 3 5 15, जैसे ये हमारे 5 हो जाएंगे तो ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। जैसे 3 6 9 12 एंड 15 क्या हैं, हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 6 9 12 एंड 15 फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं, यानी ये पहले 5 हैं, पहले 5 मल्टीपल्स हैं ये 3 के। समझ आ गया आपको? ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे हमने अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ठीक है, इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 2 or more नंबर्स, अगर हम किसी नंबर्स का मल्टीपल्स निकालें, ठीक है, 1, 2 या 2 नंबर्स से ज़्यादा के साथ, तो इट इज़ कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। वो कैसे मल्टीपल्स होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 multiply 9 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पर 2 and 9 क्या हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं 18 के। ये कॉमन कैसे हुए, क्यों, क्योंकि 9 के टेबल में भी 18 आता है और 2 के टेबल में भी 18 आता है, तो ये कैसे मल्टीपल्स हैं, इसका जो कॉमन मल्टीपल है वो 18 है। चाहे आप 9 के साथ में 2 की गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तब भी 18 आएगा, या 2 के साथ में 9 की मल्टीप्लाई कर लो तब भी 18 आएगा, तो ये कैसे हैं, कॉमन है। ठीक है, चलिए बाय लिसनिंग द मेथड, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी उसमें 2 मेथड पढ़े थे, बाय लिसनिंग द मल्टीपल्स, बाय लिसनिंग द फैक्टर्स पढ़े थे ना 2 मेथड, सेम वही मेथड है, बस आपको देखना है कि एलसीएम ऑफ 3 6 12 अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे पहले आप मल्टीपल्स लिख लीजिए, 3 का पूरा टेबल्स लिख लीजिए, 4 का पूरा टेबल्स लिख लीजिए, 6 का पूरा टेबल लिख लीजिए, लेकिन हमें टेबल अपना कहाँ तक लिखना है, मैंने पहले भी कहा था कि मल्टीपल्स की कोई भी लिमिट
नहीं होती, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसा नहीं है थ्री का टेबल टेन तक लिख लिया तो यहाँ पर हो गया थर्टी। हमें लास्ट वाला नंबर देखना है जो सबसे ग्रेटर नंबर है, इसमें ग्रेटर नंबर 12 है, यानी 120 आएगा, 120 आएगा लास्ट। 12 टेन जब 120, यानी कि हमें ऐसे मल्टीपल्स इसके तीन के जब तक मल्टीपल्स लिखने हैं जब तक हम 130 तक या 120 तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। यानी ये कंटिन्यू जारी रहेगा, राइट। 3 मल्टीप्लाई 11 करके भी हम लिखेंगे 33, ये इस तरीके से भी पूरे लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39 एंड सो ऑन। देखिए ये बिंदी चल रही है, आपको लास्ट तक लिखना है जहाँ तक आपका चाहिएगा। और ये अब आप इसमें से क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स इन्होंने फाइंड किए। देखिए 24 इसमें भी आता है 3 के टेबल में, 12 6 के टेबल में भी आता है 24, और 12 के में भी आता है कितना 24। फिर 36 भी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इस टेबल में भी आता है, यानी इसमें भी 36 आता है, इसके टेबल में भी, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। अब पिक आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनमें से हमें क्या करना है, जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल्स होगा हमें वो लिखना है। अब इन तीन में से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, 24 ही सबसे छोटा है। देखिए 24 निकला था एक, 36 और एक, अभी अगर हम और निकालना चाहें तो एक क्या हो सकता है इसमें, 48 भी हो सकता है इसमें, है ना। तो अब आपका ये समझ में आ गया। अब आपका ये स्मॉलेस्ट वाला तरीका है। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, इसमें आपका तीन 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 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। HCF में हम अलग अलग निकालते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 16 एंड 24 का LCM निकालिए, तो LCM में हम इन दोनों को एक साथ ही डिवाइड कर लेंगे कॉमा लगा करके, और इस तरीके से हम डिवीज़न कर लेंगे एक साथ। चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे हमने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में किया था, ठीक है, HCF में किया था। लेकिन अभी हमें इसका LCM निकालना है, तो हम ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे। अब ये दोनों 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। पहले सबसे छोटे नंबर 2 ही होता है ना, इसलिए हम हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं पहले। नहीं होगा 2 से तो हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 16 है तो 16 के टेबल में भी तो आता है, डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर दो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। अभी हम एक बार और देखते हैं इसको 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी ये फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, राइट। अभी ये फिर से 2 से हो जाएगा, क्यों, 2 1 जा 2, लेकिन ये 3 डिवाइड नहीं होगा ना 2 से, तो क्या करेंगे, इस 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब अगली बार हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 का 1 रहेगा, 3 1 जा 1, दोनों जगह 1 हो गया। यानी अब क्या करेंगे, अब ये जो आपने सारा कुछ लिखा है इसकी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 2 2 जा 4, यहाँ पर हो गया 4 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया 8 8 2 जा 16 16 16 3 जा 48, ठीक है। तो इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 48 आएगा। समझ आ गया आपको, LCM भी समझ में आ गया, HCF भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्या कहना है। देखिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, 6A। पहला है आपका, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन सभी के फैक्टर्स तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, सबके फैक्टर्स लिखेंगे, सबके 13 के भी, 28 के भी, 36 के भी, 19 के भी, 37 के भी और 65 के भी। और उसके साथ साथ आपको ये चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। पहले क्वेश्चन में प्राइम नंबर कौन सा होगा, अगर किसी नंबर्स के केवल दो ही फैक्टर हैं, एक वन और एक वो नंबर खुद, तो वो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। वो कंपोजिट नंबर अगर वो उसके दो या दो से अधिक फैक्टर होंगे तो वो कैसा नंबर्स होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, पहला क्वेश्चन मैंने सिखा दिया है आपको, वीडियोज में बता भी दिया था। सेकंड है आपका, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री आपको मैंने कंप्लीट करना सिखा दिया है, आप इसको खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब हम इसको कितने से डिवाइड करें कि यहाँ पर कितना आएगा, ये आप खुद से करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। मैंने आपको सिखा रखा है ट्री वाला मेथड बनाकर सिखाया था कि नहीं, बस उसी के तरीके से करना है।
ठीक है ना, सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये दो ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, है ना। बस हमें अगली वाली को इसको डिवाइड करेंगे तो इसको देखेंगे, फिर इसमें जो आ जाएगा उसको देखेंगे, फिर इसमें जो आ जाएगा उसको देखेंगे। तो ये आपको तीनों एक, चलिए अच्छा मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ, फिर आप सीख जाएंगे। थ्री से जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ टेन आ गया। अब ये कितने से डिवाइड हो सकता है, ये टू से डिवाइड हो सकता है, टू से कर लीजिए, टू फाइव जा टेन। अब आप इसको ऐसे कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा वन और यहाँ पर आ जाएगा फाइव, ओके। और बाद में इसकी फाइव की, टू की और थ्री की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका इसमें रहेगा, ये टू से इन्होंने डिवाइड किया है तो ये कितना हो जाएगा 54। ये फिर से टू से डिवाइड हो सकता है तो टू टू जा फोर और टू सेवन जा 24, तो ये टू टू ऐसे ही रहेंगे। अब ये हम इसको देखेंगे, 27 को देखेंगे तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री से करेंगे, थ्री नाइन जा, ठीक है। और फिर ये थ्री से करेंगे तो थ्री थ्री जा, ओके। एक बार और इसको कर लो, यहाँ पर इसको वन बना दो और यहाँ पर थ्री लिख दो, ठीक है। इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लेना नीचे वालों की, आंसर आ जाएगा, ओके। अब ये आपका कैसे करेंगे, फाइव फोर जा ट्वेंटी और फाइव वन जा फाइव 41, और 41 केवल 41 के टेबल में आता है तो वन यहाँ पर लिखेंगे और 41 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये तीनों मैंने कंप्लीट करा दिए क्वेश्चन नंबर टू के। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, रीड द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर ये आपको डायग्राम अच्छे से रीड करना है, ठीक है। यहाँ पर चार के मल्टीपल्स दे रखे हैं, इसमें नाइन के मल्टीपल्स दे रखे हैं और इस वाले नीचे वाले सर्किल में 12 के मल्टीपल दे रखे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12 आर शोन। 9 और 12 के कौन से मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स हैं, यानी कि 9 वाला कॉलम ये है 9 के मल्टीपल का और 12 के मल्टीपल का ये है, लेकिन जो बीच में आएगा केवल वही होगा, यानी कि 36। इसका आंसर कितना आएगा, 36। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 36। सेकंड आपका, व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 12। 4 और 12 के टेबल भी ये आ रही है तो 4 और 12 में कौन कौन सा कॉमन हो जाएगा, इस बार फिर से हमारा क्या होगा, 36, ओके। फिर व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 9 एंड 12। अगर मैं तीनों की कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं तो कौन सा मल्टीपल्स कॉमन होगा,